हम इसके पक्षधर हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए समय की पुकार है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और एनडीए के लोग यदि बुलाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिस प्रेस वार्ता में उनसे सवाल किया गया कि कुर्नी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भी प्रचार प्रसार करेंगे, तो उनका साफ कहना था कि एनडीए उनका स्वागत करता है, वो आएंगे तो अच्छी बात है। जब यह पूछा गया पशुपति पारस से कि क्या दोनों साथ आएंगे, क्या चाचा भतीजे साथ आएंगे क्या, तो उस पे पशुपति पारस ने साफ कहा कि साथ तो नहीं आएंगे लेकिन एनडीए में आएंगे तो हमें खुशी होगी। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, वो सुने आप लोग। वोट कहां, वोट का बंटवारा नहीं हो तो हम इसके पक्षधर हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। कब तक मिलेगा चाचा भतीजा? चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए समय की पुकार है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। और एनडीए में चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और एनडीए के लोग यदि बुलाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग जी और आप लोग किस तरह से एक साथ होंगे, अलग अलग चुनाव? अरे जंगल में शेर भालू सब रहता है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जंगल में रहता है ना हजारों जीव है। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी है, विश्व के पैमाने पर भाजपा का संगठन है और बिहार देश में एनडीए गठबंधन है। यदि उसमें चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। 77% आरक्षण झारखंड में दिया गया है, सीताराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि वो भी बिहार में जो है आरक्षण जितना रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एकदम मिलना चाहिए, निश्चित देखे बोले चाहिए। इधर आइए सामने आइए ना सर। चाचा भतीजे जब अलग अलग पार्टी बना लिए तो दोनों पार्टी एक नहीं हो सकता भविष्य में? देखिए तो भविष्य के गर्भ में देखिए एक बात जान लीजिए भाई साहब कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय की पुकार जब समय आएगा तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। प्रायश्चित पहले तो करें लोग, प्रायश्चित करें, प्रायश्चित के बाद मैंने कहा कि समय बलवान है, देखा जाएगा। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे, उनका साफ कहना था कि समय बलवान होता है, इंसान नहीं। जिस तरीके से चाचा भतीजे की दूरियां लगातार बढ़ते हुए नजर आई थी, अब दूरियां जो है कम होते हुए नजर आ रही है। पशुपति पारस का जो है चाचा भतीजा प्रेम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए के लिए चिराग पासवान लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे मोकामा हो गोपालगंज, और वहीं अब कुर्नी में भी चिराग पासवान जो है प्रचार प्रसार करेंगे। पशुपति पारस ने उनका स्वागत करने की बात कही, उनका साफ कहना है कि हम स्वागत करते हैं, अच्छा हुआ कि चिराग पासवान प्रचार करेंगे। तो वहीं जब यह सवाल किया गया कि चाचा भतीजे कब एक साथ आएंगे तो उनका साफ कहना था कि समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। तो देखने वाली बात यह होगी कि चाचा भतीजे की दूरियां कब कम होती है, कब चाचा भतीजे एक साथ आते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी जो है एनडीए का सपोर्ट करेगी, एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन करेगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।